नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि भारद्वाज आज आपके साथ फिर से मौजूद हूं आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी उपचार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा मैट्री के बारे में। टाटा मैट्री आलू में खरपतवार यानी घास को नाश करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाई है, और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये कितनी इसकी मात्रा होनी चाहिए, क्या क्या इसमें सॉल्ट होते हैं और कितने रुपये तक का ये आपको बाज़ार में मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर रहेगी और मैं आपको बताऊंगा किन किन फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाटा एंटरप्राइज द्वारा पब्लिश करी हुई एक दवाई है जो कि खेतों में हर्बिसाइड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अगर बात करें इसके सॉल्ट की तो इसमें होता है मैट्रीब्यूजिन 70% WP, जो कि एक खरपतवार नाशक या फिर कहें तो हर्बिसाइड की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आलूओं में और कई फसलों में घास को नाश करने के लिए इस्तेमाल में आता है। दोस्तों, टाटा मैट्री एक हर्बिसाइड है यानी कि खरपतवार को नाश करने वाली दवाई है। ये आलू की जगह और भी कई फसलों में इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो हर दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, लेकिन टाटा मैट्री जैसी जो भी दवाइयाँ होती हैं उनको खास तौर पर बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पॉइजन पार्टिकल्स होते हैं जो कि उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, खरपतवार जब आलुओं में पैदा होने लगती है तो आलुओं की बात ही क्या करें, किसी भी फसल की 30 से 40% तक पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो खरपतवार ही यानी घास ही ले लेती है, जिससे फसल को नुकसान होता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आलू की फसल को लगाने के लिए नमी प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छे सी होनी चाहिए, ताकि उसमें उतनी ही खरपतवार कम हो गएंगी। और टाटा मैट्री का इस्तेमाल भी तभी किया जाना चाहिए जब अच्छी खासी नमी हो। बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो यह 100 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि 100 ग्राम आप 6 बीघा तक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 150 लीटर पानी में इसका आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, 150 लीटर पानी आपके पास होना चाहिए, उसमें आप 100 ग्राम की मात्रा इस्तेमाल करें। दोस्तों, गेहूं में खास तौर पर मंडूसी घास के लिए, उसके नाश के लिए टाटा मैट्री का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इसके मूल्य की, इसके प्राइस की, तो 100 ग्राम का पैकेट जो होता है 200 से 250 रुपये तक का, 500 ग्राम का 800 रुपये तक का आपको बाज़ार में मिल जाएगा। दोस्तों, टाटा मैट्री का उपयोग आलू, मटर, टमाटर, गन्ना, लौकी, तोरई, सोया जैसी फसलों में किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। किसी भी दिक्कत के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ऋषि भारद्वाज आज आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान।